चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है मिरेस, ये होता है राजस्थान की मरीचिका, ठीक। जैसे आपने जियोग्राफी वगैरह में ये चीज़ पढ़ रखी है पहले से ही, कि हम पढ़ते थे तो हम ये चीज़ देखते थे कि जब राजस्थान की बात आती थी तो वहाँ पे एक टॉपिक आता था कि राजस्थान में क्या होता है, कि जैसे जहाँ पे बालू वगैरह है, ठीक है, रेगिस्तान है, वहाँ पे क्या होता है कि आदमी लोग जब ट्रैवल करते हैं तो उन्हें जैसे एक भ्रम हो जाता है। भ्रम ये हो जाता है कि जो पेड़ होता है वो एक्चुअल में पेड़ नहीं दिखाई पड़ता है, वो दिखाई पड़ता है जैसे लगता है कि वहाँ तालाब है, यानी पानी दिखाई पड़ता है, ठीक है। मतलब ये है कि जब दूर से उसे देखते हैं उस पेड़ को, तो पेड़ की जगह वो पानी नज़र आता है, ठीक। तो इस भ्रम के कारण बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। उनको ये लगता है, प्यासे होते हैं, उनको ये लगता है कि अरे वहाँ पे पानी है, जब वहाँ पे पहुँचते हैं देखते हैं पेड़ है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यही घटनाएं देखने को मिलती है। तो इस तरीके से घटनाएं दिखने को मिलती हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों को भ्रम हो जाता है, ठीक है। तो अब वही चीज़ हम देखेंगे कि क्या कारण है कि वो पेड़ पानी नज़र आता है, ठीक है। मतलब वो जो पेड़ है, जब पेड़ की शैडो बनती है तो वो तालाब की तरह नज़र आता है, मतलब पानी की तरह नज़र आता है, ठीक। चलिए सीखते हैं। तो देखिए, हम ये मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, ठीक है। अगर हम गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी के दिनों की बात कर रहे हैं, तो एक तो बालू है, राजस्थान में बालू है, और बालू क्या होता है कि गर्म हो जाता है। गर्मी के दिनों में सूर्य के प्रकाश के कारण बालू जो होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण जो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर मतलब कुछ लेयर तक क्या होता है कि ये वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा, जो एटमॉस्फेयर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयरर होता है, मतलब कि बीरल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हैं तो डेंसर होता चला जाता है। डेंसर का मतलब सघन माध्यम मिलते चला जाता है, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे, जैसे ये पेड़ आप समझ लीजिएगा इसे कि ये पेड़ ही है, ठीक है, उतनी गजब की तो आर्ट है नहीं। अरे चलो ये पेड़ है, ठीक है। अब होता क्या है, हम ये देखते हैं कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के कुछ हिस्से तक, जैसे अगर इसको बाउंड्री मान लें तो बाउंड्री के नीचे जो है ये बहुत ही ज़्यादा रेयरर है। रेयरर का मतलब बिरल है, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर की बात करें तो ये थोड़ा थोड़ा सघन है, यानी कि डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये थोड़ा डेंसर मीडियम है। अब देखिए होता क्या है, होता यहाँ पे ये है कि इससे एक लाइट रे आती है, ठीक है, प्रकाश की किरण आती है, और यहाँ पे ये इस तरीके से हमने देखा था, ये केस टी आई आर का देख रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये केस अपन देख रहे हैं। तो जब लाइट रे यहाँ से आती है तो देखिए आते 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 आते, अब ये देखो सघन माध्यम से, ये हम ऐसे कर लेंगे यार, पूरा का पूरा सघन माध्यम से अब बिरल माध्यम की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। मतलब डेंसर से ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम की तरफ मूव कर रही है। तो मूव करते 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 ये एक केस ऐसा आता है कि यहाँ से क्रिटिकल एंगल, यानी कि हम बाउंड्री मान लें इसको, ये बाउंड्री पे जब आता है और टकराता है तो होता क्या है कि यहाँ पे जो हम देखते हैं कि ये एंगल है, एंगल आई बोल देंगे, जो एंगल आई है वो एंगल आई सी से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है। तो हम एक बात अगर नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि जब ये एंगल आई सी से ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या होगा कि फिर इसी मीडियम में इस तरीके से बेंड हो जाता है। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से ये फिर बेंड हो जाता है, और बेंड होने का कारण क्या है, टी आई आर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये कारण होता है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे एक मनुष्य खड़ा है, अरे मान लेते हैं इधर ही इसकी, ये ज़्यादा लंबा तंबा है, ठीक है, ये मनुष्य जो खड़ा है इसकी आँख में ये जाता है। अब एक्चुअल में देखिए होता क्या है यहाँ पे कि ये जो लाइट रे है ये कुछ इस तरीके से जाती हुई, मतलब लगता है ना कि ये इस तरीके से आ रही है, ऐसा कभी दिखाई नहीं पड़ता है कि ये लाइट रे ऐसे आ रही है, मतलब यहाँ से आती हुई इस इंसान को नहीं दिखाई पड़ती है, मतलब उस इंसान को पेड़ दिखाई नहीं पड़ता है। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि ये लाइट रे एक्चुअल में इधर कहीं से आती हुई दिखाई पड़ती है, और इधर से आने का मतलब ये है कि ये जो पेड़ है, पेड़ ऐसे, ये
ये है। तो एक्चुअल में जो पेड़ ये था वो पेड़ दिखाई नहीं पड़ता है, वो ये दिखाई पड़ता है, मतलब ये शैडो दिखाई पड़ती है, बात समझ में आई। और ये शैडो दिखाई पड़ती है मतलब इस इंसान को ये शैडो दिखाई पड़ती है, क्यों? क्योंकि ये लाइट रे इस इंसान को दिखेगी नहीं, इस इंसान को ये पेड़ दिखता ही नहीं है, क्योंकि लाइट रे आ रही है इसकी आंखों में जो पड़ रही है वो लग रहा है जैसे इधर से आ रही है, लगता है जैसे यहाँ से आ रही है, तो यही भ्रम हो जाता है। और ये पानी की तरह दिखाई पड़ता है, जैसे आपने देखा होगा कि पानी में पेड़ दिखाई पड़ता है, पानी में पेड़ दिखाई पड़ता है, तो उसी तरीके से आपने गर्मियों में ये चीज़ अनुभव किया होगा कि जब आप ट्रैवलिंग वगैरह पे जाते हैं, बाइक्स वगैरह से जाते हैं, तो जो रोड के किनारे पेड़ लगे होते हैं जब हम दूर से देखते हैं तो लगता है कि वहाँ पे पानी पानी है, ऐसा आपने महसूस किया होगा। अगर आपने महसूस नहीं किया है तो इसको महसूस कर लीजिएगा कि जब दूर हम देखते हैं किसी पेड़ की छांव को, मतलब जो छांव होता है उसको देखते हैं, तो लगता है जैसे वहाँ पे पानी गिराया गया है, ये चीज़ महसूस करिएगा। तो अगर वो चीज़ आप महसूस कर लेते हैं तो वो चीज़ यही है, और आप समझ गए कि रीज़न क्या होता है, ये पेड़ नहीं, ये उसकी शैडो, और शैडो हमें पानी की तरह दिखाई पड़ती है। और यही लोगों को भ्रम हो जाता है, और लोगों को भ्रम होने के कारण वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझनी है कि जो ये इमेज बनी, मतलब जो ये प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है, कैसा होता है, इन्वर्टेड। और यहाँ पे देखेंगे कि ये वर्चुअल भी होता है, कैसा होता है, वर्चुअल। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक तो होता है ये जो प्रतिबिंब है उल्टा होता है, और ये आभासी होता है, उल्टा और आभासी होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब एकदम मज़ेदार टॉपिक है। हमें ये बात समझ में आ गई कि ये पेड़ पानी की तरह दिखाई पड़ता है तो क्यों दिखाई पड़ता है, और लोगों को भ्रम होता है तो क्यों भ्रम होता है, ठीक है। तो कभी अगर रेगिस्तान में जाना हुआ तो कृपया बच के जाएँ और पानी का बोतल पहले ही लेके जाएँ, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।